श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्माननीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहां शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भाग्य को घड़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी
दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए, इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी, इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और तीन तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो, आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम, और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं।